Hello, my dear students. Welcome back to your English class. So, my dear students, in this class, we are going to do English worksheet number 15, and this worksheet is for 9th September 2021, and this is for the students of 8th class. In this worksheet also, we shall be learning more about the lesson, the tsunami. Let's start the A section. Given below are some pictures. नीचे कुछ pictures आप देख रहे हैं, आपको दिखाई गई हैं. Of safety drills. ये pictures हैं safety drills की. Conducted in school. अगर आपको याद हो, जब आप regularly school जा रहे थे, तो वहाँ पर आपके साथ में बहुत सारी mock drills की जाती हैं, जो कि safety drills होती हैं, कि अगर कोई विपदा आ जाती है, then how will you handle? है ना, उस time पर आप क्या करेंगे? वो समझाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप लोगों को वो ड्रिल्स करवाई जाती हैं. सो डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर द फायर सेफ्टी? तो फायर सेफ्टी के लिए आपको कोई ड्रिल या ऐसा कोई ट्रेनिंग दी गई है, कोई ड्रिल करवाई गई, आपको याद है? या फिर कभी अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए कराई गई, कि अगर भूचाल आ जाता है एकदम से, तो फिर उस समय पर क्या करेंगे? हेल्ड इन योर स्कूल, क्या ऐसी कोई सेफ्टी ड्रिल आपके स्कूल में कभी हुई है? राइट, येस और नो. तो इस पिक्चर्स को देखकर आपको उसके नीचे येस या नो लिखना है, इफ यू कैन रिकॉल देम, कि हाँ ये वाली तो हमने की थी. इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर, यहां पर बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इन पिक्चर्स को देखने के बाद में आपको येस या नो लिखना है. जैसे कि इस वाली पहली पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली पिक्चर में, तो यहां पर क्या दिखाया गया है? यहां पर जब आपको याद होगा, जब सायरन बजता था, तो आप लोगों को जल्दी से नीचे आके और कहीं खुले एरिया में, ग्राउंड में या किसी भी ऐसी जगह में जो ऊपर से ओपन एरिया होता है, वहां पर आपको इकट्ठा होना होता था, कि इन केस अगर कोई भूचाल आ जाता है, कुछ है, तो आप जल्दी से नीचे आ जाए और खुले ओपन एरिया में आके नीचे खड़े हो जाए, है ना. तो इफ यू कैन रिकॉल दैट, कि आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, सेफ्टी ड्रिल में, सो यू राइट हियर येस. अगर नहीं किया है, देन यू राइट नो. ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैंने बच्चों के साथ में बहुत बार ये ड्रिल की है, सो आई एम राइटिंग हियर येस. ऑलराइट, सो आई हैव रिटन हियर येस. अब अगर आप सेकंड वाले पिक्चर को ध्यान से देखें, तो इसमें क्या आपको दिखाया गया है? इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि बच्चे डेस्क के नीचे वो छिप से जाते हैं. क्यों छिप जाती है? ऐसी एक्सरसाइज क्यों की जाती है? कि अगर बाय चांस आप कहीं बाहर निकलकर कहीं ओपन ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप किसी एक छत के नीचे आ जाइए. ये वाली एक्सरसाइज क्या कहलाती है? ये वाली एक्सरसाइज कहलाती है ड्रॉप कवर होल्ड, है ना. कि आपको कहा जाता है कि कहीं भी कोई बेंच है या कोई ऐसी ऐसा टेबल है, उसके नीचे आप चले जाइए. तो अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज भी की है, तो आप यहां पर येस लिख दीजिए, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों के साथ में बहुत बार की है, सो आई एम राइटिंग हियर येस. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप कवर होल्ड ऑन. बच्चों को ये समझाया जाता है, ड्रॉप मीन्स जल्दी से नीचे हो जाओ, अगर ऐसा कुछ आता है, भूचाल है, कुछ ऐसा आता है, तो जल्दी से नीचे हो जाओ. देन कवर, किसी भी सरफेस के नीचे हो जाओ, छत के नीचे हो जाओ, जैसे कि कोई डेस्क है, कोई टेबल है, या कोई ऐसे शेल्टर है, उसके नीचे हो जाओ और उसको क्या कर लो? होल्ड ऑन कर लो, उसको कस के पकड़ लो. होल्ड ऑन मतलब कस के पकड़ना, ठीक है. तो उसको आपको कस के पकड़ लेना है, ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर अगर गिरे, तो आप झटका खा के इधर उधर नहीं गिर जाए. तो अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज भी की है, देन यू कैन राइट हियर येस. आप अपने उसके ड्रिल के हिसाब से अगर की है, तो येस लिख दीजिए, नहीं की है तो नो लिख दीजिए. ऑलराइट, और उसके बाद में आपको करना है यहां पर फोर्थ वाले में, ध्यान से देखिए. अब फोर्थ वाले में क्या दिखाया गया है? यहां पर बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कोई आग लग जाती है, तो कैसे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनका यूज करते हैं, उसके ऊपर की सील जो होती है, उसको हटाते हैं और फिर आग बुझाने के लिए उसको यूज करते हैं. सो ये अगर आपको दिखाया गया है, आप इसका पार्ट बने हैं, तो आप यहां पर भी येस लिख दीजिए, ठीक है. सो क्योंकि बच्चों को ये हमने बहुत बार करवाई है, सो आई एम राइटिंग हियर येस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये येस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है. यहां पर यहां दिया हुआ है हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. यहां पर एक थाईलैंड की आपको एक डिफरेंट स्टोरी यहां पर एक और दी हुई है. पहले भी आपने पढ़ी है स्टोरीज, तो यहां पर थाईलैंड की एक स्टोरी दी गई है. टिली स्मिथ, ये जो टिली स्मिथ है, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ब्रिटिश मतलब जो कि ब्रिटिशर्स होते हैं, यानी कि इंग्लैंड में पढ़ने वाला कोई बच्ची है, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था टिली स्मिथ. सो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव. टिली स्मिथ ने क्या किया? बहुत सारे लोगों की उसने जान बचाई. सेव मैनी लाइव, बहुत सारी जाने बचाई उसने. कहां पर बचाई जाने? कैसे बचाई? वेन सुनामी, वेन द सुनामी. सुनामी नाम तो अब आपको अच्छे से पता चल गया ना क्या होता है. वेरी गुड. जब
के सी के नीचे भूकंप आता है, ठीक है, उसे सुनामी बोलते हैं. व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी को सुनामी आ गई थी, फुकेट बीच है थाईलैंड एरिया में, वहां पर बहुत जबरदस्त सुनामी आई थी जिससे बहुत लोगों की जाने चली गई थी. तो वहां पर इस छोटी सी बच्ची ने बहुत सारे लोगों की फुकेट बीच में जाने बचाई. लेट अस रीड हाउ. अब देखते हैं कि यहां पर रीड करके देखते हैं कि कैसे उन बच्चों की, सबकी, बच्चों की, बड़ों की, कैसे इस छोटी सी बच्ची ने जान बचाई. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इसमें देखिए, टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल जाने वाली 10 साल की बच्ची थी. हर 7-year-old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, उसके बहन छोटी उसके और उसके पेरेंट्स जो थे, जिनका नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. तो वो लोग सदर्न थाईलैंड के एरिया में थे और वहां पर एक बीच के पास ही उन्होंने अपना रिजॉर्ट लिया था. रिजॉर्ट जो है ऐसा जगह होती है जहां पर आप रहते भी हैं, जहां पे बहुत सारी फन गेम्स भी होती हैं और आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेज होती हैं. सो दैट इज अ रिजॉर्ट. तो वहां पर उन्होंने एक बीच रिजॉर्ट लिया था और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उनकी फैमिली वहां पर गई थी. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. कौन सा दिन था? 26 दिसंबर 2004 का दिन था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. भयानक जो सुनामी की लहरें थी वो ऑलरेडी रास्ते पर थी, मतलब वो निकल पड़ी थी, यानी कि भूचाल जो था वो धीरे धीरे आ रहा था और लहरें ऊपर की तरफ जा रही थी. द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी जो था वो स्वेल करता जा रहा था, पानी जो है ऊपर 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 होते जा रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था. पेनी स्मिथ, पेनी स्मिथ कौन थी? जो उसकी मम्मी थी. यहां पर पढ़ा है ना आपने भी, पेनी स्मिथ जो उसकी मम्मी थी, उनको याद आ रहा था कि पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था और लहरों के कारण जो जो पानी है जैसे नीचे भूचाल आया होगा, तो धीरे 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 जो है सी वो स्वेल कर रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो ऐसे लग रहा था ऊपर उठ रहा है, वो छोटा 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 होते चला जा रहा है. बीच जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, फैल रहा था और नीचे छोटा 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 होते जा रहा है. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. तो वो कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ जो उसकी बेटी थी, सेंस्ड, उसे कुछ आभास हो रहा था दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ चीज जो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. कई बार होता है ना, हमें आभास होता है कि नहीं कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी क्लास. उसका जो दिमाग था वो बार बार उस ज्योग्राफी क्लास में जा रहा था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में अपने स्कूल में ली होगी ज्योग्राफी की क्लास, तो उसका ध्यान बार बार वहां पर जा रहा था. कब ली थी क्लास? जस्ट 2 weeks बिफोर द She flew out to Thailand with her family. 2 हफ्ता पहले ही जब अपनी यहां पर थाईलैंड में उड़कर वो एरोप्लेन से अपनी फैमिली के साथ आई, तो उससे जस्ट 2 weeks ago, 2 हफ्ता पहले उसने ये क्लास अपनी ज्योग्राफी की अटेंड की होगी और उसके दिमाग में वो सारी बातें जो उसकी क्लास में हुई थी उसे वो याद आ रही थी. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने क्या देखा कि जो सी है वो धीरे 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 राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड स्टार्ट टू फोम. फोम का क्या मतलब होता है? फोम जब झाग बनती है ना, झाग बन रही है, जैसे बबल्स छोटे छोटे बुलबुले से बन रहे हैं. एंड फॉर्म वर्लपूल. वर्लपूल आपने देखा होगा, वर्लपूल जो गोल 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 लहराता हुआ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो वर्लपूल बनता है, चक्रवात बनता है जिसे आप हिंदी में कहते हैं, या आप यहां पर पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है. सो इस तरह का एक वर्लपूल वहां सुनामी का बन रहा था. हर ज्योग्राफी टीचर, जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी, हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने उनकी क्लास में एक वीडियो वहां पर उनको दिखाई थी. आई एम टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, कि सुनामी आ सकती है. किस किस कारण से आ सकती है? आ सकती है वो, इसको रब कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ. सुनामी आ सकती है अर्थक्वेक के कारण, भूचाल के कारण, वोल्केनोज जो ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन हो जाता है, जमीन का टुकड़ा है वही खिसक जाता है, या रॉक खिसक के नीचे की तरफ आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. मिट्टी का भी ढेला, बहुत सारा मिट्टी भी खिसक जाती है, रॉक भी खिसक सकता है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. तो 3 वजह से सुनामी आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम. टिली जो थी उसने चिल्लाना शुरू किया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. किस लिए चिल्ला रही थी? कि अपनी फैमिली के लिए, कि यहां से बीच से बाहर निकलो,
शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी अंडर द सी, उसे लग रहा था कि सी के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है उसके बारे में वो बात कर रही थी. सेड हर मदर पेनी, उसकी जो मम्मी थी पेनी, उनके मम्मी ने बताया कि वो किसी अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी जो सी के नीचे आ रहा था. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसकी मम्मी बता रही है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन जब मैंने अपनी, उसकी मम्मी कहती हैं कि जब मैंने अपनी डॉटर को इतना ज्यादा डरे हुए देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस, कि उससे लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस बात है, मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ जो सीरियस बात है वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रही है और वो किसी कारण से जो बच्ची है वो इस तरह से चिल्ला रही है और हमें यहां से चलने के लिए कह रही है. टिली'स पेरेंट्स, दिल्ली के जो पेरेंट्स थे, टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल. तो उसने दिल्ली को और दिल्ली के पेरेंट्स ने दिल्ली को और उसकी छोटी बहन को वहां से लिया और वो वापस होटल में चले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, बहुत सारे और भी जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी वहां से बीच छोड़ दिया, बीच का जो एरिया था वो चले गए वहां से. देन इट वॉज, फिर क्या था, एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर तो ऐसा लगा कि पहले वो लोग गए उसके बाद बीच के और लोग गए और पीछे पीछे ऐसा लगा कि जैसे कि पूरा का पूरा सी जो है वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा है. आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी रन भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जब वो होटल गए तो उसके भी वो ऊपर चढ़ के तीसरी मंजिल पर तुरंत चले गए रिफ्यूज के लिए, संरक्षण अपना करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए वहां पर तीसरे फ्लोर पर चले गए. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुके होते तो क्या होता, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, उन्होंने सर्वाइव नहीं किया होता और वो मर गए होते, अभी तक जिंदा नहीं होते. वुड नॉट हैव बीन अलाइव मतलब अब वो इस समय जिंदा नहीं होते. द स्मिथ लेटर मेट अदर, जो ये स्मिथ फैमिली थी वो अदर टूरिस्ट से मिले और उन्हें पता चला कि उनमें से कई जो टूरिस्ट थे उनकी पूरी पूरी फैमिलीज लॉस्ट हो गई, पूरी फैमिलीज को उन्होंने खो दिया. थैंक्स टू टिली, टिली का सबने बहुत थैंक्स किया और खास करके उसकी ज्योग्राफी क्लास का, कि पढ़ाई जो है ना, देखो बच्चों, कभी वेस्ट नहीं जाती. नॉलेज अगर आप ले रहे हैं किसी भी तरह की तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस रहती है, आप उसे अच्छे से यूज करके अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को और बेटर बना सकते हैं. दे हैड बीन फोर वॉन्ड, वो कह रहे हैं कि थैंक्स टिली का, थैंक्स उसकी ज्योग्राफी क्लास का, जिसकी वजह से ज्योग्राफी लेसन का जो उसे पढ़ाया गया और जिसकी वजह से उनको पहले से ही फोर वॉन्ड मतलब पहले से ही चेतावनी मिल गई. एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, फिर टिली जो थी वो अपने जब स्कूल गई इंग्लैंड में और फिर उसने वहां जाके टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, जो उसकी भयानक जो ये कहानी थी, जो इंसिडेंट से वो लोग गुजरे, तो वो जाके उसने अपने क्लासमेट्स को, अपने बच्चे जो थे और क्लास के, उनको सबको ये उसने बताया. ऑल राइट, सो आई होप ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. देर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू पीपल, सो यू बेटर राइट ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, स्पेलिंग लिखिए उसके मीनिंग्स लिखिए, आपको समझा दिए गए हैं, सो दैट यू जो आपकी वोकैबुलरी है वो बढ़ जाए. ऑल राइट, सो अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट पर. Now answer the following questions by choosing the correct option. यहां पर कुछ options दिए गए हैं, कुछ questions हैं, उन questions के जो correct option है वो आपको choose करना है. ठीक है, पहला question है, why did Tilly's family come to Thailand? उनकी family Thailand क्यों गई थी? इसमें से first जो option है वो है to celebrate her sister's birthday, उसकी छोटी बहन का birthday celebrate करने गए थे, to celebrate Christmas. Yes, of course, वो किस लिए गए थे? Christmas celebrate करने के लिए वहां पर वो लोग गए थे. Then is question number two, वो है where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? Tsunami से अपना बचाव करने के लिए स्मिथ के फैमिली और दूसरे जो लोग थे वो लोग बचाव करने के लिए कहाँ गए थे? पहला ऑप्शन है टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की तीसरी मंजिल पर गए थे, टू अ नियर बाय हाउस, जो घर बीच के पास जो कोई घर था उसमें गए थे. तो ऑब्वियसली वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग होटल की तीसरी मंजिल पर गए थे. Then C part is, Tilly saved many lives because she remembered her geography class. Tilly इतने सारे लोगों की जान बचा सकी क्योंकि geography class में जो उसे समझाया गया था lesson, वो उसको बहुत अच्छे से याद था.
फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉट शी लर्न इन हर ज्योग्राफी क्लास. तो उसकी ज्योग्राफी क्लास में क्या समझाया गया था उसके रिगार्डिंग जो ये नीचे फिलअप्स दिए गए हैं, यू हैव टू फिल ऑल दीज फिलअप्स. सो द फर्स्ट वन इज सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय. सुनामी किस किस से होती है, मैंने अभी आपको समझाया था ई वी एल, इफ यू कुड रिमेम्बर. याद नहीं है तो यहां पर भी देख सकते हैं अर्थक्वेक, volcanoes and landslides. So we'll write here all the three options. So these are the three options: earthquakes, volcanoes and landslides. उसके बाद में B part जो है वो है second part. The beach was getting, beach क्या होते जा रहा था, the beach was getting smaller and smaller, क्योंकि ऊपर की तरफ rise कर रहा था तो वो छोटा 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 होते जा रहा था. और तीसरा वाला जो इसका fill up है वो है टिली ने सी को क्या देखा, टिली सॉ द सी स्लोली. क्या कर रहा था स्लोली, वो बिल्कुल ठीक स्लोली राइज कर रहा था. एंड स्टार्ट टू क्या स्टार्ट कर दिया था, उसमें झाग बननी शुरू हो गई थी, फोम बननी शुरू हो गई थी, बबल्स आ गए थे एंड फॉर्म वर्लपूल्स. देखिए यहां पर दिया भी हुआ है ना, इस लाइन में आपको दिया हुआ है, यहीं से हम लिख रहे हैं. सो ये हमने आंसर्स लिख दिए, राइज, फोम और whirlpools. All right, so this is the end of this worksheet, and further we will discuss more worksheets from this lesson. So till then, आपको जितने हिस्से ये parts करवाए गए हैं उन्हें बहुत अच्छे से read कर लीजिए, अपनी सारी worksheets absolutely बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के फिर exams में difficulty नहीं आए. और जैसा कि अभी Tilly के साथ हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो जो हम पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी life में आगे चल के हमारे लिए बहुत use फुल रहती है. ऑल राइट, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप अंडरस्टैंडिंग द लेसन एंड द कॉन्टेंट, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू सून चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.